नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करमीर में। UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है 11 मई 2021 को, क्लेरिफिकेशन ऑफ इनकरेक्ट न्यूज़ इन मीडिया रिगार्डिंग UGC गाइडलाइन ऑन एग्जामिनेशन। तो एक क्लेरिफिकेशन किया गया है कि UGC ने 6 मई 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि जो वर्तमान जो परिवेश है, जो परिस्थितियां हैं COVID-19 की, उसको लेकर जो हमारा जो किसी भी यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम्स है वो मई 2021 में नहीं हो सकते, ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसको लेकर ये प्रिंट मीडिया में या सोशल मीडिया में या किसी भी तरीके से उसका दुष्प्रचार किया जा रहा था, गलत प्रचार हो रहा था। तो उस को मद्देनज़र देखते हुए UGC ने दोबारा एक क्लेरिफिकेशन जारी किया, जिसमें भी यही कहा है कि उसमें ये एक ही बात की गई थी कि इस परिस्थिति को देखकर ये परीक्षाएं मई महीने में आयोजित नहीं की जा सकती। आगे क्या होगा ये तो मई के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हम यदि वर्तमान परिस्थितियों की अगर बात करें तो अभी हालात बहुत ही विकट हैं, यहाँ भी देखें, और अभी तीसरी जो लहर की भी बात चल रही है, भविष्यवाणियाँ चल रही है, तो उसको लेकर अभी हम कह सकते हैं कि अभी फ़िलहाल जून जुलाई तक एग्ज़ाम होने की संभावना कम है। वो वैसे भी पिछले साल सितंबर में भी एग्ज़ाम हुए थे, सितंबर अक्टूबर में, तो उस को देखते हुए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आपको बताते हुए कि अभी कोई भी एग्ज़ाम्स, सारे एग्ज़ाम्स है वो UGC ने नोटिफिकेशन जारी किया, इसका मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी में अभी एग्ज़ाम नहीं है, और सारे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स वो कोविड की वजह से रद्द कर दिए गए हैं। और इस तरह का कोई भी नया नोटिफिकेशन आएगा तो मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।